सो हे गाइज, अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहते हैं ना, जैसे ही वह आया मैं चला गया, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होने लगी, जैसे ही मैंने उसे डांटा वह रोने लगा, जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं भाग गया। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए एज सुन एज का प्रयोग किया जाता है। एज सुन एज का हिंदी में अर्थ होता है जैसे ही या ज्यों ही। तो चलिए इसे बनाने का रूल समझ लेते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले लिखेंगे एज सुन एज, उसके बाद से लिखेंगे पहला सेंटेंस, उसके बाद से कामा लगाएंगे, उसके बाद से लिखेंगे दूसरा सेंटेंस। तो चलिए एग्जांपल की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, जैसे ही वह आया मैं चला गया, जैसे ही वह आया मैं चला गया। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे, एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होने लगी, एज सुन एज आई केम आउट ऑफ माई हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग, एज सुन एज आई केम आउट ऑफ माई हाउस इट स्टार्टेड रेनिंग। नेक्स्ट है, जैसे ही मैंने उसे पूछा वह रोने लगा, एज सुन एज आई आस्क्ड हिम ही स्टार्टेड क्राइंग, एज सुन एज आई आस्क्ड हिम ही स्टार्टेड क्राइंग। जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं भाग गया, एज सुन एज आई सॉ द लायन आई रैन अवे, एज सुन एज आई सॉ द लायन आई रैन अवे। ये सवाल आपके लिए, जैसे ही मैं टीवी चालू किया लाइट भाग गया। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो एक आध बार और देखिएगा।